खाना खाने के बाद ना हम लोग अभी एक म्यूजियम है वहाँ पे जाने के लिए रुके थे, जाने के लिए निकले थे। तो क्या हुआ बताए, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिल जाएगी। उसके बाद हमें रिक्शा मिल गई और हम रिक्शा पकड़ के निकले म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि हमारे रूम से बहुत नज़दीक था, मतलब इन अराउंड 4 किलोमीटर के अंदर ही था। और आप देख लीजिए, ये है तिरुवनंतपुरम का बाज़ार, मेन मार्केट। यहाँ पे आने के बाद बारिश बहुत गई है, देखो सारे लोग छाता लेके खड़े हैं और हमारे पास छाता नहीं है। ये रहा म्यूजियम का एंट्रेंस और ये म्यूजियम प्लस जू है, तो ये भी सिटी के बीचों बीच पड़ता है म्यूजियम प्लस जू। वो गार्ड था मुझे, उसने बोला कि 4:30 तक बंद हो जाएगा, पर अभी बज रहे हैं 4:15, हमें टिकट मिलेगी भी नहीं ये भी पता नहीं, हमें जाके देखते हैं मिलेगी कि नहीं। देखो यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हुई है और ये है म्यूजियम के बाहर का व्यू। यहाँ पे टिकट काउंटर है शायद, तो हमने म्यूजियम में जाने के लिए टिकट ली है। टिकट है पर पर्सन 20 रुपीज़ और टाइमिंग है 10 बजे से 4:45 तक। तो अंदर जाके देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। तो गाइस अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और म्यूजियम के अंदर जो जो से बोलना भी मना था, प्लस यहाँ म्यूजियम में ना वीडियो लेना भी मना ही है। मैंने कैसे भी करके आपके लिए थोड़े वीडियो क्लिप्स लाए हैं और बाकी सारे आगे जाके आप लोग फ़ोटो ही देखेंगे, क्योंकि फ़ोटोज़ निकालने अलाउड थे पर वीडियो अलाउड नहीं था। तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो जैसे आप एंटर होंगे तो आपको बहुत सारे विष्णु भगवान की मूर्तियाँ दिखेगी, डिफरेंट इरा की, जैसे 12th-13th century की। आपको भगवान विष्णु का वाहन भी देखने मिलेगा, तो आप आगे देखेंगे ये। तो उन लोगों ने इस म्यूज़ियम में ना सेक्शन बनाए थे, पहले मूर्तियाँ थी, फिर कपड़े थे, फिर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे करके सेक्शन बनाए हैं। तो आप आगे देख लीजिएगा, इस मूर्तियों पे जो कारीगरी की है ना बहुत बारीक तरीके से की गई है। अगर आप अपने आँखों से देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वाह क्या मूर्तियाँ बनाई हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कैमरा से, तो आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा कैसे उन लोगों ने बारीक कारीगरी की है। जब आगे आप थोड़े और पेंटिंग्स देखेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि इतनी सारी क्रिएटिविटी कहाँ से लाते थे ये लोग, और उनका दिमाग इतना शार्प कैसे था कि उन लोगों ने एक बारीक बारीक डिटेल उन मूर्तियों पे काव की है। तो आप लोग अभी आगे देखिए, मैं अपनी बकबक बंद करती हूँ और फिर एंड में मिलती हूँ आपको।
ये कुछ म्यूजियम के बाहर के नज़ारे हैं और आसमान भी देख लो कितने बादलों से भरा हुआ है। आप ना गाना चल रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, शायद मुझे कॉपीराइट आएगा, तो आपको बाहर जाके ही मिलते हैं। जो अभी भी जो भी वो म्यूजिक करते हैं उसमें उनकी जो बहुत मिठास वाली जो एक स्टाइल है वो अभी भी बरकरार है। और अगर आप इस सिंगर को जानते हैं तो आप कमेंट करके ये सिंगर का नाम बताना, मुझे पता है कौन सी है। देखते हैं आप लोग ऐसे कितने लोग जानते हैं इस सिंगर को। मैं अभी आपको एक ना रैंप वॉक दिखाती हूँ। ये रहा सस्ता वाला रैंप वॉक। बारिश ज़्यादा होने से पहले, बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है और सोचा था बीच में भी जाएंगे तो बीच का